नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा में बाइक सवार परिवार को फोर व्हीलर वाहन ने मारी टक्कर, एक की मौत, तीन घायल। चोरहटा थाना क्षेत्र की घटना। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र से है, जहां बाईपास में जोरदार टक्कर हुई है। घटना में एक की मौत हो गई, जबकि दो मासूम बच्चों सहित महिला घायल है। घायल बाबूपुर के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि एक ही मोटरसाइकिल में चार व्यक्ति सवार थे, जिन्हें बोलेरो वाहन ने जोरदार टक्कर मार दिया। बताया जाता है कि बाइक सवार रामजी बुनकर उम्र 32 साल अपनी पत्नी और दो बच्चों को लेकर रीवा की तरफ आ रहा था। तभी दोपहर 12 बजे कितरिया बाईपास में बोलेरो चालक ने बाइक सवारों को ठोकर मार दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और बोलेरो को जब्त कर लिया है, जबकि घटना के बाद चालक फरार हो गया है। घायलों में मृतक की पत्नी वर्षा बुनकर, मृतक की बेटी सृष्टि बुनकर उम्र 10 वर्ष और प्रेम बुनकर उम्र 2 वर्ष शामिल है। आइए जानते हैं बालेंद्र बुनकर मृतक के भाई ने क्या कहा। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। बालेंद्र बुनकर, क्या घटना हुई? मेरा भाई एक्सीडेंट हो गया सर, बाबूपुर से सिस्टर के यहाँ जा रहा था, बड़खड़ा गाँव, और ये इटमा बाईपास है जो, वहाँ पे ये दुर्घटना हुई सर। एक बोलेरो वाला आया, उसमें टक्कर मारी और भाई मेरा, भाभी और भतीजी, भाई भतीजा, ये सब घायल हो गए सर। कहाँ जा रहे थे ये सिस्टर? जा के यहाँ जा रहे थे बड़खारा गांव सीधी जी। ये एक बोलेरो वाला था और मेरा भाई बाइक से था। एक बाइक में चार लोग थे, दो बच्चे थे और भाई और भाभी जी। घटना कितने बजे की? घटना ये सुबह 11 बजे की सर। सुबह 11 बजे जी। कौन सा थाना लगता है? पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, बाद में आई थी चोरहटा थाना से। चोरहटा थाना जी। बाइक वगैरह दोनों, बोलेरो को भी बाइक को भी वहाँ ठाक ले गई है। बोलेरो जब ले गई जी, ले गए हैं। आरोपी नहीं पकड़े, ड्राइवर भाग गया सर। बाद में एक कार आई, वहाँ एम्बुलेंस आई, नागपुर से आई थी वहाँ देवतलाव के लिए मरीज छोड़ने के लिए। वो वाला एम्बुलेंस आया सर, वो मरीज को देखा वहाँ पे, एम्बुलेंस में लाद के अपने संजय गांधी अस्पताल में लाए। हमको फ़ोन किए कि आपका ये पेशेंट है, आप कहाँ हैं? तो हम गए वहाँ पे, देखा तो मेरा भाई, मेरा भाभी, भतीजा, ये सब वहाँ एम्बुलेंस में लेटे हुए थे। रामजी बुनकर है सर। घायल वर्षा बुनकर हैं, सृष्टि बुनकर हैं, और प्रेम का जो तबीयत है वो भी थोड़ा भी सुधार है उसमें, अच्छे हैं वो, उनको ज़्यादा चोटें नहीं आई है। और सृष्टि के जो पैर है, एक वो एकदम पूरा फ्रैक्चर हो चुका है।